नमस्कार साथियों, K9 प्रयागराज वर्ष में कृष्णान शुक्ला। साथियों, बिजली संकट इस समय देश में गहरा गया है और इसी का कारण है कि 670 यात्री ट्रेनों को किनारे करके यार्ड में खड़ा कर दिया गया है। इस समय बिजली संकट का जो हाल है, अमूमन गांव में 7 घंटे 8 घंटे तक ही बिजली आपूर्ति हो रही है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुराने स्पीच को आप सुनिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिजली संकट जो है ये पुरानी सरकारों की देन है। याद करिए, कितने दिन हुए कि आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या कि कोयला नहीं है, बिजली घरों में कोयला नहीं है? नहीं देखी। साथियों, देश बिजली संकट को पीछे छोड़कर अब बिजली सरप्लस हो रहा है। 670 यात्री ट्रेनों को इस समय यार्ड पे खड़ा कर दिया गया है, इसलिए खड़ा किया गया है ताकि जो कोयला लदी ट्रेनें हैं वो जल्द से जल्द प्लांट्स तक पहुंच सके। इस समय देश के 85 पावर प्लांट्स में कोयले की भीषण कमी है, 3/4 प्लांट बंद होने के कगार में हैं। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी मानते हैं कि जो बिजली संकट या कोयले का संकट है ये पिछली सरकारों की देन है। मोदी जी के मुताबिक तो बिजली संकट और कोयला संकट के लिए पुरानी सरकारें जिम्मेदार होती हैं। देश में पिछले वर्ष जो है अक्टूबर में जाके कोयला संकट उत्पन्न हुआ था, लेकिन इस बार पहले ही अप्रैल में ही कोयले का भीषण जो है अकाल, यहां पर आप देख सकते हैं कोयले की कमी दिखाई दे रही है। कोयले की कमी अप्रैल में ही दिखाई पड़ रही है। वहीं जो कोयला मंत्री हैं उनका क्या कहना है, उनका मांग भी बढ़ गए क्योंकि देश का और प्रदेश का भी इकोनॉमी अच्छी तरह से पकड़ गई है। केवल डिमांड बढ़ गई है चूंकि अर्थव्यवस्था पटरी में आई है, गजब का लॉजिक है कोयला मंत्री का। तो आपका क्या कहना है कि कोयले की डिमांड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अर्थव्यवस्था पटरी में आ गई है? अगर अर्थव्यवस्था पटरी में आई है तो बिजली नहीं रहेगी तो अर्थव्यवस्था कैसे पटरी में चलेगी? अब आप क्या समझते हैं बिजली की कमी पर जो कोयला मंत्री ने कहा कि कोयले की कोई कमी नहीं है, वहीं पर 670 यात्री ट्रेनों को किनारे कर दिया जा रहा है और वहीं प्रधानमंत्री जी और तमाम जो बिजली विभाग के अफसर हैं, खुद बिजली मंत्री अरविंद कुमार भी मानते हैं कि कोयले की कमी के कारण ये समस्या है और वहीं कोयला मंत्री कह रहे हैं कि देश में कोई कोयला की कमी नहीं है, केवल डिमांड बढ़ जाने के कारण है क्योंकि अर्थव्यवस्था पटरी पे आ गई है। तो गजब का लॉजिक है, आप भी इस पर अपने विचार दीजिए। क्या कुछ कहना है आपका इस कोयला मंत्री के विषय? इस समय 70% भारत में जो है बिजली कोयले से बनाई जाती है और देश में 85% जो है कोयला जो है कोल इंडिया खोती है। अब ये बिजली संकट उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि विदेशों से बिजली सरकार ने आयात करना बंद कर दिया है और जो कोयला खोदने की जिम्मेदारी दी गई थी जिनको, कोल इंडिया को, उन्होंने कोयला खोदा नहीं और माल जो है थर्मल प्लांट तक पहुंचा नहीं। इस कारण देश में भीषण जो है बिजली संकट झेलना पड़ रहा है। देश में इस समय 23 लाख गीगावाट की बिजली की खपत है और 19 लाख के करीब बिजली सप्लाई हो पा रही है और इस तरह से डिमांड अधिक होने से सप्लाई नहीं मिल पा रही है। वहीं पर बिजली मंत्री और कोयला मंत्री के बयानों में अंतर आप देखकर आपकी क्या राय है? सच के साथ हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हम जल्द से जल्द आप लोगों से हमारी यही अपेक्षा है और देखते रहिए ऐसी ही खबरें। हम लोग लोकतांत्रिक देश में है और सरकारों से सवाल इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि सरकार और अच्छा काम करे। जय हिंद।